ये वफा क्या होती है? पता नहीं। क्या मैं और आप इसे पहचानते भी हैं? नहीं। सऊदी अरेबिया वुमेन को इतनी ज्यादा फ्रीडम दे रहा है कि औरतें जैसे चाहे ड्रेसिंग कर सकती हैं, रियासत का उसमें अमल दखल नहीं होगा। भगवान के बनाए इस ब्रह्मांड के अंदर अजबे अजबे गजबे गजबे कुछ काम हुए जा रहे हैं। What comes as another indication of Saudi Kingdom's efforts towards modernization, a Saudi cleric has said that women should not have to wear the loose fitting abaya robe to shroud their bodies in public. सऊदी अरब की जो वुमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। और सुने, उन्होंने कहा जी जो भी मना करने आएगा हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे, आप मियां बीवी दंधिका कर सकते हैं क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे। हनीमून भी सऊदी अरेबिया में हनीमून भी मना करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जो सऊदीया ने है वो उन्होंने टूरिस्ट का मुकाम अदा कर दिया है, हर जुमरे का नाम ही मिटा दिया। इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों? कि वो अब वो सऊदीया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े हैं। लेकिन इस्लामी मुमालिक ना सिर्फ ये सब होता देख रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगी। औरत करेगी सारा कुछ, करेगी औरत हुक्मरानी करेगी, और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। तेरी ओ तेरी ओ तेरी, ये करते हैं औरतों की इज्जत। जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय। तो भैया आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जूतियां भिगो भिगो के मारना। आजकल सऊदी अरब भी है इन पाकिस्तानियों पे जूतियां भिगो भिगो के मार रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ एशियन चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, ये के सारे कन्वर्टेड मुसलमान है। बात तो सही है। और ये सब अपने आप को इस्लाम के सबसे बड़े लंबरदार समझते ही है। लंबरदार, जबकि हकीकत में सब कन्वर्टेड मुस्लिम है। yes. हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं। yes. ये जानते सब है लेकिन मानते कुछ नहीं है। yes. इस्लाम पैदा कहाँ हुआ है, इस्लाम चला कहाँ से, इस्लाम का मुख्य गढ़ क्या है, वो है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया इन कन्वर्टेड मुसलमानों पे आए दिन आजकल चांटे मारे जा रहा है, चांटे मारे जा रहा है। और ये बेचारे चीख रहे बस, खास तौर से पाकिस्तानी मुसलमान। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया के अंदर ये अनाउंसमेंट किया गया है कि रमजान के अंदर मस्जिदों के अंदर कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रे करनी होगी सिर्फ मस्जिदों के अंदर होगी, उसके अलावा आप रोड पे या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ सकते। और थोड़े दिनों पहले वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बच्चियों के जो स्कूल में जाती है बच्चियां, उनका हिजाब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। वाह भाई वाह, कि बच्चियां बिना हिजाब के पढ़ सकती है। और अगर थोड़ा पीछे जाए तो वहां पर औरतों को ड्राइविंग करने का हक दे दिया, औरतों को अकेले निकलने का हक दे दिया, और तो और सिनेमा हॉल खोल दिए सऊदी अरेबिया में, और सबसे कमाल की बात अल्कोहल चालू कर दी सऊदी अरेबिया में। इस्लामी मुल्क में जो असली मुसलमान है वो तो सब किए जा रहे हैं, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है इन कन्वर्टेड मुसलमानों के। और लाउड स्पीकरों की आवाज कम कराए, लाउड स्पीकर उतरवाए हमारे योगी जी, तो योगी जी हो जाते हैं बदनाम। लेकिन सऊदी अरेबिया करे तो बेचारे तड़प जाते हैं, फड़फड़ा जाते हैं, अंदर ही अंदर कोसते रहते हैं MBS को। तो इसी टॉपिक पे एक पाकिस्तानी चाहल मिला, बातें सुनिए, उसके दर्द को महसूस कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। चालू करो बे। कुरैश ने पत्थर बरसाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये शुरू से ही मुनाफिक है। और क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना शरीफ में ली गई, ठीक है, इसलिए। और ये होना था क्योंकि उन्होंने मंत्र बना लिए, सारा कुछ कर लिया, अब उन्होंने इवेंट के तौर पे हज जुमरे का पैकेज निकाल दिया। जैसे ईरान ने निकाला हज, उन्होंने ईरान इराक जितने भी हैं उन्होंने ज्यारतों का जो निकाला है उन्होंने वो पैकेज निकाल दिया टूरिस्ट के नाम पे। अब जो सऊदीया ने है वो उन्होंने टूरिस्ट का मुकाम अदा कर दिया है, हर जुमरे का नाम ही मिटा दिया। तौबा तौबा का मुकाम है ये, तौबा तौबा का। उन्होंने कहा जी जो भी उमरा करने आएगा हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे, आप मियां बीवी दंधिका कर सकते इधर क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे। हनीमून भी सऊदी अरेबिया में हनीमून भी बना करेगा। अरे सर क्या बात है, थोड़े दिन रुको, MBS पता नहीं क्या क्या करेगा भाई, अभी तो और तड़पाएगा तुमको कन्वर्टेड मुसलमानों। क्या मियां बीवी निकाह, मियां बीवी को उन्होंने अब रूल निकाल दिया उन्होंने सऊदीया में कि आप मक्का मुकर्रमा के अंदर निकाह होगा, हम आपको फोटोग्राफर देंगे, आप इधर फोटो सेशन भी कर सकेंगे इधर। ये बात, ये उन्होंने नया रूल निकाल दिया। इंडिया ने किया तो मुसलमान कहते कि इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, अब सऊदी अरब ने किया है तो क्या वो भी खिलाफ? सऊदी अरब तो शुरू से अरब ममालिक है, वो तो है ही ऐसे भाई, इंडिया का मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने इधर मंदिर भी बना दिया ना सऊदीया ने, तो क्या करें, इतने ज्यादा हिंदू हैं, आजादी दे रहे हैं मजहबी। वो अब मुस्लिम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान बैठे हैं, हर कोई बैठा है अपने आप, और जो हमारी जो हुकूमत है उन्होंने मुस्लिम कंट्री को इतना कर दिया हुआ है कि वो अपनी गहम गहमी में पड़ गए हैं। कोई तो सऊदी अरब का कल्चर फॉलो कर रहे हैं ना, कोई रोटी के पीछे पड़ गया, वहाँ को निकलने नहीं दे रहा कोई भी,
ना हुकूमत निकलने दे रही, ना कोई अपोजिशन निकलने दे रही है, आवाम को गहमा गहमी पड़ी हुई है, वो दाल रोटी पूरा करे या इनके पीछे चले। सरकार तो इरशाद फरमाया है कि जो अगर आप अपने हाथों से कुछ नहीं रोक सकते तो आप उसे दिल में पूरा करें आप। अच्छा ठीक है, आपने इतनी ताकत है कि आप दिल में, हम तो दिल में पूरा कर रहे हैं। सऊदी अरब एक हिसाब से बैन ही लगा रहे हैं ना वो सब चीजों पे। हमारी जो हमारी आवाम है, जो हम है, हमें एक होना चाहिए, हम एक नहीं हो रहे। पंजाबी, पठान, सिंधी, पलोची, पश्तो सब अलग अलग है, हमें चाहिए एक हो। जब हम एक हो गए हमारा मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, सब कुछ होगा। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। और ये सऊदीया बैन नहीं लगा सकते क्योंकि जब हम ही बिखरे हैं तो हमको जो दुश्मन नासर है। तो और भी तो मुस्लिम कंट्रीज है, सिर्फ सऊदी के ऐलान से पाकिस्तान को मसला क्यों है? देख ले अब फलस्तीन में देख ले कौन मुमालिक है, कोई भी नहीं। गजा में है कोई बोल रहा है, पाकिस्तान में कोई बोल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, हर कोई मीडिया में कोई एक चीज दिखा रहे, कोई गजा के बारे में बोल रहे हैं या फलस्तीन के बारे में कोई बोल रहा है, लेकिन इंडिया के बारे में तो सब बोल रहे हैं। इंडिया के बारे में बोल अब सारे चुप हो जाएंगे क्योंकि उधर ज्यादा है, अगले महीने उधर भी इलेक्शन है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे वक्ती तौर पे, सिर्फ सियासत चमकाने के लिए थोड़ा सा बोलेंगे फिर हट जाएंगे। सऊदी अरब औरतों को मॉडर्नाइज कर रहे, कह रहे जैसे चाहे वैसे लिबास पहनो। सऊदी अरब के अबाये हटा दिए गए, कोई बोला कोई नहीं बोला, सैन में खोले गए, कांप पे बैन लगाया, सैन में खोले गए, कोई नहीं बोला, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, कुछ है। उन्होंने कह दी औरत करेगी सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी करेगी, और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता। तेरी ओ तेरी ओ तेरी, ये करते हैं औरतों की इज्जत, जिस घर में औरत आ जाएगी उसकी हुक्मरानी आ जाएगी तो वो घर ही बिखर जाएगा। तो फिर कहते हैं कि हमने औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, ऊंचा दर्जा तो तुमने कभी दिया ही नहीं है, औरत तो तुम्हारी खेती है, खेती तुम्हारी, औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। महिलाओं का सम्मान सिर्फ सनातन में होता है, उनको देवी बना के पूजा जाता है, और तुम्हारे लिए औरत क्या है, खेती, उसकी गवाही भी आदि मानी जाती है। बताओ, और आप यकीन मानेंगे अगर शरीयत के हिसाब से अगर एक औरत का रेप हो जाए ना तो उसको चार गवाह चाहिए जो ये बोल सके कि हाँ इसका हमारे सामने रेप हुआ, नहीं तो वो रेप ही नहीं माना जाता। ये शरीयत है इनकी, ये औरतों की इज्जत है। जब ये मैंने सुना मैं तो हैरान परेशान हो गया, मैंने ऐसे कैसे यार, अगर मान लो वहां पर दो ही आदमी हो या हो ही कोई हो ही ना, फिर क्या होगा, नथिंग। ये इनका कानून है, ये इनके दीन में औरतों की इज्जत है, ये मेंटेलिटी बचपन से ही विकसित कर दी जाती है इनके अंदर कि औरत औरत ना होके एक वस्तु बन जाए। हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामी कंट्री ने दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे दो उनके हाथ में, सब कुछ ही दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन क्या है, सब खामोश बैठ गया। तो पंजाब की भी तो हुक्मरान औरत ही आई है। ये तो मीडिया को चाहिए ना, मीडिया उठाए हर चीज, ठीक है, मीडिया सारी वहाँ पे ना डाल दे के वहाँ भी सारा कुछ करे, जस्ट मीडिया भी कुछ करे, मीडिया भी कुछ करके दिखाए कि जी हम भी साथ। मैं सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं सर, पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, शरिया लेके आना है, शरिया लेके, शरिया जब मुस्लिम कंट्री में जब हुक्मरानी ऐसे है तो कौन ला सकता है, उनको पता नहीं शरीयत है क्या चीज, जब हुक्मरानी शरीयत को नहीं मानेंगे तो वो शरीयत क्या लाएंगे, वो खुद नहीं अपनाते, जब एक चीज आप अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे कभी कभी लगता है कि इन पाकिस्तानियों को जालत की एक अलग से डिग्री मिलती है और ये सारे के सारे उस डिग्री के अंदर अव्वल दर्जे के स्टूडेंट रहते होंगे। कोई ऐसी कोचिंग, कोई ऐसी संस्था पाकिस्तान में जरूर चलती है जहाँ पे जालत की डिग्री दी जाती है और ये जालत अपने पूरे संसार के अंदर बिखेरते रहते हैं। जो भी इन पाकिस्तानियों को ठीक से करीब से जानता है वो इनसे बड़ा मनोरंजन करता है। आई होप आपको भी बड़ा मजा आया होगा। मजा आया तो जाते जाते इन पाकिस्तानियों को कॉमेंट सेक्शन में फैलते हुए जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।